के बाद बहुत ही बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने साफ किया है कि वह रूस के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रही फौज के लिए ऐसी खास बात कही, जिसके बाद जेलेंस्की और बाइडेन के कैंप में काफी हलचल है। दो हजार अठारह और अब 2024। पुतिन 25 साल से पुतिन रूस की सत्ता में हैं। अब पुतिन को पांचवीं बार रूस की कमांड मिल चुकी है। रूस का यह कमांडर 2024 के आगे क्या करने जा रहा है? क्या पुतिन को युद्ध का पांचवां लाइसेंस मिल चुका है? क्या पुतिन की ताकत 5 गुना बढ़ चुकी है? क्या पुतिन यूक्रेन के बाद अब नाटो के परखच्चे उड़ा देंगे? पुतिन का काफिला देखिए, पुतिन की पावर समझिए, क्रेमलिन के हॉल में पुतिन की एंट्री देखिए, यही पुतिन का जलवा है। इसी आक्रामक लेकिन शांत अंदाज में रूस की सत्ता पर पकड़ छुपी हुई है। 25 साल बाद भी पुतिन का कंट्रोल रूस पर वैसे ही बरकरार है। पुतिन, क्रेमलिन का सुनहरा दरवाजा खुला, पुतिन अकेले अंदर दाखिल हुए, सैकड़ों लोगों के बीच पुतिन जैसे आगे बढ़े, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ये क्रेमलिन का एंद्रे येवस्की हॉल है। क्रेमलिन यानी रूस का राष्ट्रपति भवन। ये कभी रूस के राजा जार का महल था। यहाँ जार का दरबार सजता था। 1917 की अक्टूबर क्रांति में जार की हुकूमत खत्म हो गई। सोवियत संघ की सत्ता यहीं से चली और अब ये जगह रूस की सत्ता का सेंटर पॉइंट है। पुतिन पोडियम पर पहुंचे। पोडियम पर रखी लाल किताब जो रूस का संविधान है, उस पर हाथ रखकर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की 5वीं बार शपथ ली। осуществление полномочий президента Российской Федерации, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость. पुतिन की शपथ में साफ है कि वो रूस के हक, वहां के लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। वो रूस की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को आगे करेंगे, रूस को एकजुट रखेंगे। 5वीं बार पुतिन ने रूस को दुश्मनों से बचाने की शपथ ली है। इस शपथ पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर इजराइल तक की नजर गड़ी रही। इन शब्दों से साफ है कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दुश्मनों को वार्निंग दे रहे हैं। पुतिन रूस के दुश्मन खासकर नाटो को संदेश दे रहे हैं कि रूस झुकेगा नहीं और नाटो ने युद्ध किया तो वो बचेगा नहीं। पुतिन अब 6 वर्ष यहीं रहेंगे। यहीं से पुतिन रूस की सत्ता चलाएंगे। वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 1999 में रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने 7 मई 2000 को पद की शपथ ली। इसके बाद 7 मई 2004 को फिर से राष्ट्रपति बने। 2008 से 2012 तक कमान दिमित्री मेदवेदेव के पास रही और 2012 में पुतिन ने फिर से क्रेमलिन में एंट्री की। 6 वर्ष बाद 7 मई को ही 2018 में ही पुतिन ने फिर से शपथ ली। चौबीस फरवरी 2022 से यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। मारियोपोल और खेरसोन जीतने के बाद पुतिन ने बखमूत पर कब्जा किया। अब खार्कीव को पुतिन छीन लेना चाहते हैं। यूक्रेन के 10 और टुकड़े देखकर बाइडेन और उनकी मित्र मंडली बेचैन है। यूक्रेन के लिए 5 लाख करोड़ का पैकेज तैयार कर दिया गया है।
जिसमें 50,000 करोड़ के नए हथियार फौरन सप्लाई किए जा रहे हैं। अब 7 मई 2024 को पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो 6 वर्ष और क्रेमलिन से रूस की सत्ता चलाएंगे। 2024 में फिर 6 साल के लिए कमांडर पुतिन रूस के दुश्मनों के लिए तैयार है। торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. अब पुतिन को 9 मई का इंतजार है, जब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड होगी। रूस की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। 9 मई को इस परेड से पहले मॉस्को में पुतिन नेटो के टैंकों को उल्टा टांग चुके हैं। लेपर्ड टैंक मॉस्को में लटका हुआ है। यूक्रेन ने नेटो की 28 कैरेट वाली बेइज्जती कर दी है। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अमेरिका से मिली M777 तोप मॉस्को का ये चौराहा इस वक्त नेटो के तबाह किए गए हथियारों का म्यूजियम बन चुका है। यूक्रेन की जमीन पर लड़ने पहुंचा जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड अब रूस की सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है। नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद किया है। फिलहाल पुतिन का पूरा फोकस 9 मई की परेड पर है, और ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि पुतिन जब 9 मई को रेड स्क्वायर पर आएंगे तो हजारों सैनिकों के बीच एक बार फिर वो दुनिया को क्या मैसेज देंगे। हालांकि इससे पहले पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की का एक मैसेज आया है। Ми усі пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. Це буде. Наша сила це зробить обов'язково. युद्ध में पूरी दुनिया ने हजारों लाखों लोगों की जान जाते हुए देखा है। शहर के शहर मिट चुके हैं। अब पुतिन के सामने है 32 देशों वाले नेटो पावर। बहुत साफ बात है कि 7 मई के बाद पुतिन अपनी असली ताकत 9 मई को दिखाने जा रहे हैं। कैश कांड में अब जांच की याद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच सकती है।